अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है हम लोग बात कर रहे हैं संविधान के भाग एक की अनुच्छेद एक से चार कल हम लोगों ने इस पर बात की थी आ, भारत राज्यों का संघ है उसका अर्थ क्या है इस पर हमने चर्चा की है और उसके पहले मैंने बताया था कि राजनीतिक ढांचे कितने प्रकार के होते हैं जिनमें हमने बात की थी संघ की महासंघ की और परिसंघ की और परिसंघों का वर्गीकरण भी किया था हमने अगर याद होगा तो हम लोग बात कर रहे थे कि भारत निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर विकेंद्रीकृत परिसंघ है और शक्तियों के वितरण के आधार पर कार्यात्मक परिसंघ है अर्थात यहाँ संघ जो है वही राज्यों का गठन करता है और जो वित्त और अवशिष्ट शक्तियां हैं वो राज्यों में निहित नहीं है भारत में वो संघ में निहित है जिसके लिए मैंने एक उदाहरण दिया था अनुच्छेद 109 खंड एक जिसमें कहा गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किए जाएंगे और दूसरा अनुच्छेद 248 सौ एक जिसमें यह है कि संसद उन विषयों पर विधि बना सकती है जिनका उल्लेख संविधान की सूचियों में नहीं है तो इससे सिद्ध यह हो रहा है कि भारत एक कार्यात्मक परिसंघ है शक्तियों के वितरण के आधार पर और चूंकि संघ ही राज्यों का गठन करता है इसलिए वह एक विकेंद्रीकृत परिसंघ है जो अमेरिकी परिसंघ के ठीक उल्टा है दूसरी तरफ हमने बात यह भी की थी कि मूल जो ढांचा है हमारे परिसंघीय ढांचे का उसकी प्रेरणा हमने भारत शासन अधिनियम से ली है 1935 से और कैनेडियन फेडरेशन से भी हमने इसकी प्रेरणा ली है इसके साथ साथ हमने एक और बात कही थी कि भारत और इंडिया जो दो शब्दों का प्रयोग है अनुच्छेद एक में तो भारत का प्रयोग किया है हमने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में और इंडिया शब्द का प्रयोग किया है हमने राजनीतिक और राजनयिक संदर्भ में जिससे यह सिद्ध होता है कि भारत की संस्कृति विविधतापूर्ण होने के बावजूद समेकित है और राजनीतिक और राजनयिक रूप से अंतिम शक्ति संघ के पास है जहां तक विदेश नीति का प्रश्न आता है वहां इतनी बातें करने के बाद हमने हमें यह चर्चा करनी है कि भारत में राज्यों का गठन कैसे होता है प्रक्रियाएं कौन सी हैं और किस तरीके से संसद को उसकी शक्ति प्राप्त है इसके साथ साथ एक और बात अगर याद है तो हमने बात की थी भारत के राज्य क्षेत्र की कि स्थलीय सीमा का निर्धारण हम कैसे करते हैं और समुद्रवर्ती सीमा भी मैंने बताई थी आपको विस्तार से कि क्षेत्रीय जल क्या होता है और निकटवर्ती क्षेत्र क्या होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है और उसके लिए घरेलू विधि कौन सी है और संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि सम्मेलन उन्नीस कैसे उसको नियमित करता है इतनी बातें करने के बाद आज हम बात कर रहे हैं राज्यों के गठन से संबंधित और उसके बाद फिर थोड़ी सी चर्चा करूंगा भारत में संघ शासित क्षेत्रों पर कि उनके लिए संविधान में क्या प्रावधान है तो एक नजर हम लोग पहले संविधान के मूल अनुच्छेद पर देखते हैं कि उसकी बात कौन सी कही गई है यहां लिखा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद विधि द्वारा शब्दों पर गौर करना है यह कार्य संसद कर सकती है विधि द्वारा ही कर सकती है ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे वह मतलब संसद संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सके कई शब्द हैं इस पर जिस पर गौर करना है वाक्य छोटा है लेकिन गौर करने वाला है इसके लिए जो सक्षम प्राधिकारी है वो संसद है लेकिन संसद सक्षम होने के बावजूद बिना विधि के कार्य कर नहीं सकती तो विधि का शासन है भारत में जो शर्त और नियम बनाए जाएंगे किसी राज्य की प्रवेश या स्थापना के लिए उनके निर्धारण का जो विवेकाधिकार है डिस्क्रिशन है वह संसद का है तो संसद अगर उसको उचित समझती है उन शर्तों या नियमों को तो उसके आधार पर वह नए राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सकती है भारत के राज्य क्षेत्र में यही बात इस अनुच्छेद की है इसमें हम अंग्रेजी वाला अनुच्छेद देख लें अगर तो उससे भी हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस तरीके से आ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है बात वही है पार्लियामेंट मे बाय लॉ इट मे इट मे नॉट एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट तो संसद की सक्षमता है इसमें इसी की चर्चा है हम लोग आज अभी बात कर रहे हैं भारत के राज्य क्षेत्र में नए राज्यों का गठन जिसमें पहला जो है वो अनुच्छेद दो है जिसमें है प्रक्रियाएं हैं दो एक है प्रवेश और दूसरी है स्थापना इसको अंग्रेजी में कहते हैं एडमिशन इसको कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट अब यहां पर हमें कुछ बातें जो अनुच्छेद की हैं उसको समझना यह है कि नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के लिए संसद सक्षम प्राधिकारी है कंपीटेंट अथॉरिटी इसका अर्थ है कि संसद के अलावा और कोई यह कार्य नहीं कर सकता सक्षम प्राधिकारी का अर्थ यहां पर यह हो रहा है कि इसका इस तरह का कार्य या नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का कार्य संसद ही कर सकती है उसके अलावा किसी भी प्राधिकारी को भारत में शक्ति प्राप्त नहीं है यह सक्षमता है इसकी ऐसा प्रवेश या स्थापना विधि के तहत ही किए जाने का प्रावधान है बिना विधि के संसद नहीं कर सकती तो यह सिद्ध करता है कि भारत में विधि का शासन है तीसरा है कि नए राज्य के प्रवेश या स्थापना के लिए नियमों और शर्तों के निर्धारण का विवेकाधिकार संसद को प्राप्त है संसद जो उचित समझती है साफ साफ लिखा है अनुच्छेद में कि जो वह ठीक समझे इसका मतलब है कि अगर हमारे यहाँ दस ऐसे राज्य प्रवेश या स्थापना के तरीके से या उस प्रक्रिया से आए तो दसों के लिए हो सकता है संसद नए नियमों और शर्तों का निर्धारण करे तो कोई दूसरा राज्य उसी तरह के अधिकार उसी तरह की शर्त उसी तरह के नियमों के लिए दावा नहीं कर सकता यहां और अलग अलग आधारों पर अलग अलग नियमों शर्तों पर संसद किसी नए राज्य का प्रवेश या स्थापना करा सकती है तो इससे हमें यह सिद्ध होता है कि लिखा जाएगा कि इस आधार पर यह स्पष्ट है कि भारत में कोई राज्य किसी अन्य राज्य के लिए निर्धारित नियमों और शर्तों की समानता का दावा नहीं कर सकता यह जो प्रावधान है यह भारत के संविधान को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अलग कर ऑस्ट्रेलिया के संविधान का अनुच्छेद छे शक्ति देता है राज्यों को कि वो कोई भी एक राज्य दूसरे राज्य के समान अधिकार प्राप्त करने का दावा कर सकता है भारत में यह स्थिति नहीं है तो यहां पर एक वाक्य हो गया कि यह प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है जो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है इसके अनुच्छेद छे में राज्य को समान अधिकार के लिए दावा करने की शक्ति है इस आधार पर हम यह कह सकते हैं और तो संसद की सक्षमता हो गई इसमें विधि का शासन हो गया और जो विवेकाधिकार है संसद का वह हो गया कि वह नियमों और शर्तों का निर्धारण कर सकती है एक मामला है मंगल सिंह बनाम भारत संघ उन्नीस उस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद दो के तहत प्रवेश या स्थापना कि प्रक्रिया द्वारा किसी नए राज्य के गठन की जो शक्ति है वह शक्ति निरपेक्ष नहीं है निरंकुश नहीं है और वह संवैधानिक योजना के तहत ही उसका प्रयोग किया जा सकता है यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हालांकि उसका विवेकाधिकार है लेकिन वह शक्ति निरपेक्ष नहीं है तो यहां पर हमें यह बात करनी है कि मंगल सिंह बनाम भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया उन्नीस उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद दो के तहत प्रवेश या स्थापना प्रक्रिया से नए राज्य के गठन की शक्ति निरपेक्ष नहीं है था इसका प्रयोग संवैधानिक तो योजना के तहत ही किया जाएगा तो संविधान का एक अंकुश संसद की विवेकाधिकार शक्ति पर लगा हुआ है और अगर हम इसका प्रवेश या स्थापना चाहते हैं तो एक बहुत चर्चित मामला था आरसी पौड़ियाल बनाम भारत संघ उन्नीस का कि यदि किसी राज्य का प्रवेश कराना है या स्थापना करनी है तो वह किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि के माध्यम से भी हो सकता है या किसी क्षेत्र का अर्जन करके भी प्रवेश या स्थापना कराया जा सकता है इसका मतलब हुआ कि बहुत महत्वपूर्ण बात है जो लिख रहा हूं मैं आरसी पौटियाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 उच्चतम न्यायालय के अनुसार प्रवेश या स्थापना के जरिए प्रवेश या स्थापना के लिए किसी संधि या अर्जन की प्रक्रिया प्रयोग में लाई जा सकती जैसे हमने सिक्किम का गोवा का अर्जन किया था अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप और हमने कश्मीर के साथ संधि करके उसका प्रवेश कराया था इस आधार पर यह कहा जाएगा कि हम संधि या उसके माध्यम से भी प्रवेश करा सकते हैं स्थापना करा सकते हैं अब हमें ध्यान यह रखना है कि प्रवेश के लिए सामान्यतः यह आवश्यक है कि उस राज्य की पहले से कार्यरत अपनी कोई संगठित राजनीतिक इकाई हो जैसे हमने कश्मीर का प्रवेश कराया था विलय पत्र के और स्थापना के लिए है क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत अर्जन कर नए राज्य के रूप में एग्जाम्पल है सिक्किम गोवा इस आधार पर हम किसी राज्य का प्रवेश या स्थापना करा के उसको भारत में नए राज्य का दर्जा दे सकते हैं अब हमें यह पता चल रहा है कि यदि हम अनुच्छेद दो की बात करें दोबारा तो बात क्या आ रही है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और पार्लियामेंट इज अथॉरिटी अभी जैसे मैंने कहा कि संसद ही सक्षम प्राधिकारी है और वह टर्म्स और कंडीशंस नियम और शर्त का निर्धारण भी वही करेगी जो उसका विवेकाधिकार है हालांकि उस पर संविधान का एक दबाव बना हुआ है और उसकी स्वेच्छा नहीं है तो स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाता है यह प्रावधान और संसद को सर्वोच्च भी बनाता है तो एक तो बात यह भी कही जाएगी कि अनुच्छेद दो का जो महत्व तो है वो बता रहा है संसद की सर्वोच्चता दूसरा विधि का शासन दोनों बातें हैं और संसद के विवेकाधिकार के बावजूद संविधान का जो एक दबाव या संविधानिक योजना है वह सिद्ध कर रही है कि संविधान सर्वोच्च है और किसी भी संभावित स्वेच्छाचारिता पर अंकुश है कि संसद के पास विवेकाधिकार होने के बावजूद संसद ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकती जो आर्बिट्ररी हो जो स्वेच्छाचारी हो इस तरीके से हम संसद संसदेद दो का महत्व लिख सकते हैं अब नए राज्य का प्रवेश या स्थापना करके उसका गठन चूंकि संसद कर रही है और संसद संघ का प्रतीक है इसलिए कहा जाएगा कि संघ द्वारा राज्यों का गठन होता है जो हमने कल बात कही थी पिछले क्लास में कि भारत एक एकात्मक परिसंघ है और विकेंद्रीकृत परिसंघ है यह सिद्ध होता है यह भी एकात्मक या नाम लें संसदीय या विकेंद्रीकृत परिसंघीय ढांचे का प्रतीक है यह इस आधार पर हम अनुच्छेद दो के महत्व की चर्चा कर सकते हैं कि यदि किसी नए राज्य का गठन करना है प्रवेश या स्थापना की प्रक्रिया के द्वारा तो इस प्रक्रिया का इस तरह के प्रावधान का भारत की राज्य व्यवस्था में क्या महत्व है तो हम वहां पर यह लिखें कि अनुच्छेद दो के जितने भी प्रावधान हैं उसकी बात करने के बाद यह लिखा जाएगा कि इनसे निम्नांकित सिद्धांतिक पक्षों का प्रमाण मिलता है हमें अनुच्छेद दो से जिसमें संविधान की सर्वोच्चता है संसद की सर्वोच्चता है विधि का शासन है स्वेच्छाचारिता पर अंकुश है और भारत एक एकात्मक या संसदीय या विकेंद्रीकृत परिसंघ है इसका भी प्रमाण मिलता है अनुच्छेद दो के प्रावधान से इस तरीके से हम अनुच्छेद दो को आसानी से समझ सकते हैं और यह भी समझ सकते हैं कि भारत में किसी नए राज्य का गठन प्रवेश या स्थापना के द्वारा कैसे होता है अब तीसरी जो प्रक्रिया है हमारे पास वह है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया कही जा रही है वह फॉर्मेशन है नए राज्य का निर्माण करना है या उसके क्षेत्र या सीमा या नाम में परिवर्तन करना है या तो नए राज्य का निर्माण करें हम या किसी पहले से कार्यरत राज्य के नाम में उसकी सीमा में या उसके क्षेत्र में कोई परिवर्तन करे यहां भी बात वही है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉरम न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स और बायटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट increase the area of any state diminish the area of any state alter the boundaries of any state alter the name of any state इतने काम संसद कर सकती है विधि के द्वारा हिंदी में देख लें देखिए नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं या नामों में परिवर्तन बात वही है संसद तो यह सक्षम प्राधिकारी है विधि द्वारा है तो विधि का शासन है दोनों बातें अनुच्छेद दो में भी है किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है तो एक बार किसी राज्य का गठन हुआ है उसका पुनर्गठन कर सकती है रीऑर्गेनाइज कर सकती है उसको और रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होगा या तो राज्य क्षेत्र अलग हो जाए या किसी दूसरे के राज्य क्षेत्र को मिला दिया जाए या दो या दो से अधिक राज्यों के राज्य क्षेत्रों को मिला दिया जाए इस तरीके का कार्य करना ही पुनर्गठन कहा जाएगा इसके साथ साथ किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा भी सकती है घटा सकती है उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है और उसके नाम में भी परिवर्तन कर सकती है इसलिए कहा जाता है कि एक केस था राजा रामपाल वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा 2007 जिसमें न्यायालय ने कहा कि ऐसा करने से यह सिद्ध होता है कि इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल यूनिट्स भारत विनाशी इकाइयों का अविनाशी संघ है इससे यह सिद्ध होता है तो यह राज्य का जो क्षेत्र है उसमें कोई भी परिवर्तन करने से ऐसा प्रमाण मिलता है हमें इसी की चर्चा है अनुच्छेद तीन के तहत तो पहले हमें अनुच्छेद तीन के महत्व पर बात कर ले उसके बाद फिर उसकी प्रक्रिया पर बात करेंगे अब है नए राज्यों राज्य का निर्माण अंग्रेजी शब्द है फॉर्मेशन वहां था एडमिशन एक था एस्टेब्लिशमेंट और एक है फॉर्मेशन ये है अनुच्छेद तीन सक्षम प्राधिकारी है संसद और विधि का शासन है और यह जो निर्माण की प्रक्रिया है इसको कहते हैं राज्य का पुनर्गठन या रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स और पुनर्गठन में क्या होगा कि दो या अधिक राज्यों को मिलाकर राज्य के राज्य क्षेत्र को अलग कर क्षेत्र को बढ़ा या घटाकर सीमा या नाम में परिवर्तन कर यह तरीका है पुनर्गठन का और इस तरीके से इसी तरीके को एक्सप्लेन किया उच्चतम न्यायालय ने यह है राजा रामपाल बनाम ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा 2007 यह जो मामला है माननीय अध्यक्ष लोकसभा राजा रामपाल बनाम माननीय अध्यक्ष लोकसभा 2007 इसमें कहा गया उच्चतम न्यायालय के अनुसार भारत विनाशी इकाइयों का अविनाशी संघ है इंडिया इज इन यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल यूनिट्स यह जो है यह जो वाक्य है यह सिद्ध करता है कि यह भारत एक विकेंद्रीकृत भारत के विकेंद्रीकृत परिसंघ होने का प्रमाण है यह बाकी जो है वो तो जैसे अनुच्छेद दो में था वही इसका महत्व भी है जो भी हमने देखा है यहां कि संसद की सर्वोच्चता है ही विधि का शासन है ही संविधान की सर्वोच्चता भी है किसी भी संभावित स्वेच्छाचारिता पर अंकुश है क्योंकि संसद की इस शक्ति पर संवैधानिक सीमा आरोपित है संवैधानिक योजना आरोपित है एकात्मक परिसंघ है या संसदीय परिसंघ है या विकेंद्रीकृत परिसंघ है तो अनुच्छेद तीन से भी यही बात सिद्ध हो रही है राजा रामपाल बनाम माननीय अध्यक्ष लोकसभा दो मामले में कि भारत विनाशी इकाइयों का अविनाशी संघ है इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल यूनिट्स। और इसके लिए यदि संसद सक्षम प्राधिकारी है और संसद संघ का प्रतिनिधित्व कर रही है इसलिए भारत में जो राज्यों का गठन है चाहे वो प्रवेश हो स्थापना हो या निर्माण के आधार पर हो पुनर्गठन के आधार पर हो उसके लिए अंतिम रूप से संघ जिम्मेवार है और यही कारण है कि हम इसे कहेंगे कि भारत निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर एक विकेंद्रीकृत परिसंघ है इंडिया इज अ डिसेंट्रलाइज फेडरेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इस आधार पर हम भारत के परिसंघीय ढांचे का भी महत्व हम अनुच्छेद दो और तीन से देख सकते हैं इस इसी तरीके से हम इसकी व्याख्या करेंगे और यह कहा जा रहा है कि आ, संसद को ऐसी जो शक्ति है यह शक्ति सर्वोच्च शक्ति है संसद की और उसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया जा सकता उसमें कोई भी किसी भी तरह का आ, उसको चुनौती नहीं दी जा सकती यदि संसद ने ऐसा कोई कानून बनाया है तो ध्यान केवल यह रखना है कि संसद द्वारा बनाए गए ऐसे कानून से संविधान के किसी भी स्पष्ट प्रावधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए तो बाबूलाल पराती एक केस था स्टेट ऑफ बॉम्बे 1960 इसी में कहा गया कि आ, संसद को ऐसी पूरी शक्ति है कि वह किसी वर्तमान राज्य में का पुनर्गठन करने के लिए विधि बना सकती है तो बाबूलाल पराती बनाम बॉम्बे राज्य 1960 मामले को भी हम यहां रेफर कर सकते हैं बाबूलाल पराती वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे उन्नीस संसद को यह शक्ति है कि वह किसी वर्तमान राज्य के पुनर्गठन के लिए विधि बना सकती है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है दूसरी बात क्या है कि ऐसी संसदीय विधि को या संसदीय विधि की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती लेकिन या लेकिन की जगह पर लिखेंगे यदि उससे संविधान तो के किसी स्पष्ट प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ अगर उसने उल्लंघन कर दिया है तभी हम उसको चुनौती दे सकते हैं अन्यथा नहीं दे सकते तो संविधान की सर्वोच्चता भी इससे सिद्ध होती है और संसद की सर्वोच्चता भी इससे सिद्ध होती है यही तरीका है संसद के द्वारा किसी नए राज्य के निर्माण के लिए या उसके पुनर्गठन के लिए अब हमें देखना है कि पुनर्गठन की प्रक्रिया क्या है और उसके लिए संविधान में कौन सी बात कही गई है यहां प्रक्रिया लिखी है उस पर हम लोग गौर करें लिखा है परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना आप इसको जोड़ दे रहा हूं मैं आपकी समझ के लिए कि इस प्रयोजन के लिए मतलब पुनर्गठन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अब नीचे आ जाए कि संसद के किसी सदन में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा इसका मतलब है कि यदि राष्ट्रपति ने सिफारिश की है तो किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है लेकिन बिना राष्ट्रपति के सिफारिश के नहीं किया जा सकता तो राज्य के पुनर्गठन से संबंधित कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है लेकिन उसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य है यह इस प्रक्रिया से का पहला पॉइंट हमें दिखता है अब क्या है कि और जहां विधेयक में अंतरविश्वर स्थापना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र सीमाओं या नाम पर पड़ता है वहां जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार कि राज्य को जिसका पुनर्गठन होना है उस राज्य का विचार वहां पर हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि उस राज्य का विचार हमें मिलना चाहिए कब ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए एक अवधि तय की जाएगी जिसके भीतर राज्य को अपने विचार प्रस्तुत करने अगर उस अवधि में राज्य ने विचार नहीं रखा तो ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए तो राष्ट्रपति ने एक अवधि निर्धारित कर दी है कि उस अवधि में राज्य के द्वारा जिसका पुनर्गठन होना है उस राज्य के द्वारा अपना विचार अभिव्यक्त किया जाए यदि उस अवधि में उसने अपना विचार अभिव्यक्त नहीं किया है तो राष्ट्रपति आदेश दे सकता है या राष्ट्रपति यह फिर से बता सकता है कि इतनी अवधि आपकी बढ़ा दी गई है उस बढ़ी हुई अवधि में आपको विचार रखना है अपना